हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडेज टॉपिक एफईएल लेसन 61 एंड टॉपिक नेम इज समराइजिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी। सो इसमें आपको क्या है, टॉप ऑब्जेक्टिव क्या होगा, समराइज के बारे में आप जानोगे। समराइजिंग होता है क्या है, नोट टेकिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, आप इसके बारे में जानोगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको फर्स्ट डिटेल क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्या होगा क्वेश्चन, एवरीबॉडी व्हेन यू टेक नोट्स समथिंग यू रीड, जब आप कुछ रीड करते हो और नोट बनाते हो, डू यू हैव राइट एवरी वर्ड, क्या सब चीज़ लिखते हो आप जब नोट करते हैं? तो आप बोलोगे नो सर, आई एम नॉट राइटिंग ब्रीथिंग। क्यों लिखेंगे सर, ब्रीथिंग लिखने का टाइम थोड़ी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाट डज इट मीन टू समराइज, समराइज करने का क्या मतलब होता है, और वाई माइट इट बी यूजफुल। तो आप बोलोगे सर, समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें ब्रीथिंग थोड़ी लिख सकते हैं सर, आई हैव नॉट टाइम दैट मच टाइम, सो यू डू नॉट हैव टू राइट ए ब्रीथिंग, आपको खुद बताएंगे फैसिलिटेटर। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी कैन सेव आवर टाइम एंड वी कैन राइट डाउन सिंपल थिंग्स, देन वी कैन रिमेंबर ना। समराइजिंग मीन्स क्या होता है कि आप मेन आइडिया लिखो शॉर्टर वे में और टाइम आप सेव करो, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड टू अंडरस्टैंड, बट सिंपल चीज़ें। सो इसी से बोलते हैं समराइजिंग करना, ठीक है, शॉर्ट वे में लिखना किसी चीज़ को, समराइजिंग करना होता है, ठीक है। देन योर फैसिलिटेटर इज गोइंग टू से यू मे डू इट ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपके ऊपर है। फर्स्ट यू हैव टू रीड ए स्टोरी एवरीबॉडी, लेट्स ओपन SRB, ये आपको रीड करना होगा और आपको इसको पढ़ने के बाद समराइजिंग में शॉर्ट वे में इसको स्टोरी को लिखना होगा। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, है ना, इतना कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट वे में चाहिए क्या हो सकता है शॉर्ट वे में, तो आप जाओ टेलीग्राम पे देख सकते हो, मैंने शॉर्ट वे में इसको भेज दिया क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो समराइजिंग करने के बाद आपको बोला जाएगा एवरीबॉडी, लेट्स ओपन द इंडिया विकीपीडिया, विकीपीडिया और कोई भी आर्टिकल आप पढ़िए और इसको जो है नोट टेकिंग करो, मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे नोट करके आइए, और आप जो भी नोट करोगे उसे जो है नोट करके आइए, हाउ सिंपल, और समराइज करके आना आपको, ठीक है। देन योर फैसिलिटेटर इज गोइंग टू बी आस्क क्वेश्चन, व्हाट डिड यू डिसाइड, विच इन्फॉर्मेशन वाज मोस्ट, हाउ डिड यू डिसाइड कि कौन सा इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देन योर फैसिलिटेटर इज गोइंग टू बी रैप अप, देन ओके करेंगे, रिविजन करेंगे, रैप अप में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, समराइजिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आप बता सकते हो। आई होप व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय समराइजिंग, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। देन रिवीजन पार्ट में आप कोई भी टॉपिक पर प्रॉब्लम होगा वो रिवीजन कराएंगे, ठीक है। और इन द लास्ट 15 मिनट शेयर द लर्निंग विथ वाया मेल, वाया मेल पे आपको जो लर्निंग शेयर करना होगा सभी स्टूडेंट को, ठीक है। देन यू आर गोइंग टू लॉग इन ड्यूलिंगो प्रैक्टिस और इंग्लिश स्पीकिंग को प्रैक्टिस करोगे। समराइजिंग मैंने बता दिया समराइजिंग टॉपिक है, और रिवीजन रहेगा, ड्यूलिंगो प्रैक्टिस रहेगा, और आपके SRB में जाके ये चीज़ को पढ़ोगे, और समराइजिंग मतलब छोटे में आप इसको लिखोगे, ठीक है। इतना बड़ी स्टोरी में लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल में भी स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ समराइजिंग, ठीक है, समराइजिंग सब, समराइजिंग सबके लिए डिपेंड, कोई थोड़ा लॉन्ग बनाता है, कोई छोटा बनाता है, सबके ऊपर होता है अलग अलग, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू एवरीबॉडी, और कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम जुड़ सकते हो, टेलीग्राम जुड़ सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल हेल्प यू, थैंक यू सो मच।